नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बैश लीग का जो फाइनल मैच होने वाला है। जी हां, बिग बैश आज अपने अंतिम पड़ाव पे है। सिडनी सिक्सर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच आज जो बिग बैश 13 है उसका फाइनल मैच खेला जाएगा, और ये मैच मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक जैकपॉट मैच बनाऊं। स्मॉल लीग के लिए नहीं, स्मॉल लीग के लिए तो चलो आप जीत जाओगे, मुझे मेरी ये कोशिश रहेगी इस मैच को मैं आपके लिए मिनी ग्रैंड लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए है वो जैकपॉट मैच बनाऊं, और उसी आशा से मैं ये बोलूंगा बनेगा भी। वीडियो को पूरा देखना, देखोगे तो बनेगा, क्योंकि केवल टेलीग्राम पे मैं तो जो टीम देता हूं वो आप स्मॉल लीग खेल सकते हो, ग्रैंड लीग के लिए आप एक टीम तो बना नहीं सकते। तो आप जब वीडियो देखोगे तभी तो कॉम्बिनेशंस बना पाओगे ना, जब आप प्लेयर्स बैटल को देखोगे, जब आप रहता है पावर प्ले स्टैट्स रहता है वो देखोगे तभी तो बना पाओगे ना यार। तो पूरा देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज आपके लाइक सपोर्ट के बिना तो भाई कुछ नहीं है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के मैच को लेके, जो कि है बीबीएल फाइनल। जी हां, बीबीएल 13 का फाइनल मैच। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं आपको जुड़ जाना चाहिए, समझ रहे हो? ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको टॉस के बाद सारी अपडेट्स मिलती है, दिन में 3-4-5 मैचेस होते हैं, सभी की टीमें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो विदाउट एनी पे आप इससे जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात करते हैं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, यानी कि सिडनी में ये मैच खेला जाएगा, कहीं ना कहीं सिडनी को इसका एडवांटेज रहेगा। कहा जाता है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन अभी तक जो 3-4 मैचेस यहां पे खेले गए 160 से ऊपर स्कोर बना नहीं है, 150, 155, 154 अभी फ्रेश विकेट भी नहीं है, यूज्ड विकेट हो चुका है, तो आप अराउंड 150, 160 है वो लेके जा सकते हो, स्पिनर्स थोड़ा सा गेम में रह सकते हैं। देखिए यहां पे स्टार्टिंग में पेसर्स को हर विकेट पे मूवमेंट मिलता है, लेकिन उतनी ज्यादा मूवमेंट शायद है वो पेसर्स को ना मिले स्टार्टिंग में, बाकी विकेट जाएंगी, रन्स देखिए बनने को कितने भी बन सकते हैं, लेकिन 150 160 वाला ये विकेट रहता है जहां तक अभी तक यहां के जो मैचेस देखे गए हैं, जो आपको दिखा भी दूंगा। टोटल 59 मैचेस है जो कि यहां पे खेले जा चुके हैं, बहुत मैचेस खेले गए हैं, 29 बैटिंग फर्स्ट ने, 29 चार्जिंग ने, एक टाई हुआ। स्कोरिंग पैटर्न सबसे बड़ा नंबर आपको दिखेगा जहां पे 150 से नीचे की स्कोरिंग हुई है, सबसे बड़ा नंबर 16 बार है वो 50, 170, 170, 179, 13 बार, 190 प्लस है जो कि 8 बार बनाए, 157 का एवरेज स्कोर है जो कि मैं आपको बोल भी रहा था 150 से। देखिए मैं आपको रिसेंट के मैचेस दिखा देता हूं, सिडनी सिक्सर्स ने 151 किए, इसी सीजन का मैच है, थंडर चैज नहीं कर पाया, पेसर्स को 10, स्पिनर्स को 6। सिडनी सिक्सर्स ने 154 किए, मेलबर्न चैज कर गया, पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 4। सिडनी सिक्सर्स ने 155 किए, एडिलेड चैज नहीं कर पाया, पेसर्स को 10, स्पिनर्स को 3, यानी कि 160 प्लस इस सीजन में बना ही नहीं है इस ग्राउंड पे। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा था, फाइनल का एक अलग प्रेशर रहेगा, तो कहीं ना कहीं 150-160 लेके जा सकते हो। यहां 17 विकेट चली गई, यहां देखोगे 14 विकेट चली गई, यहां 13 विकेट चली गई, यानी कि आपको 13, 14, 15 विकेट देखने को मिलेगी, और ये विकेट जाएगी तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर प्लस बॉलर्स होने चाहिए, और ये चीज आपके लिए ग्रैंड लीग में बहुत, मिनी ग्रैंड लीग हो फिर चाहे वो मेगा ग्रैंड लीग हो, वहां पर आपके लिए इसका बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना इस चीज को। 42 में से 29 पेसर्स को, 13 स्पिनर्स को मिली है। यहां पे हेड टू हेड की बात करते हैं, देखिए 22 में से 6 ब्रिस्बेन ने, 14 सिडनी ने, तो सीधा सीधा सिडनी को एडवांटेज रहा है, लेकिन इस बार ब्रिस्बेन हीट की टीम बहुत अच्छा कर रही है, सिडनी वॉन बाय 39 रन से, इसी सीजन का मैच है, ब्रिस्बेन हीट वॉन बाय 3 रन, डीएलएस मैथड ये भी इसी सीजन का मैच रहा है। कॉमन प्लेयर्स में आपको नाम देखिए, लास्ट जो खेला गया था नॉकआउट मुकाबला था, मॉइज़ेस के रन दिखे थे, डैनियल के 42 आए थे, ब्रिस्बेन हीट ने कहीं ना कहीं सिडनी को स्टार्टिंग में फंसा लिया था। स्कॉट एडवर्ड, जैक एडवर्ड्स 2 विकेट, ड्वार्ट्स 5 विकेट, और हैडन कैर को 2 विकेट। यहां देखोगे मिचेल नेजर के 2 विकेट थे, वाल्टर के 2 विकेट थे, जॉनसन के 2 विकेट, बाकी बैटिंग में कुछ खास कर नहीं पाई ब्रिस्बेन हीट की टीम। यहां देखोगे
यहां स्टेफन हॉकिंग को एक एक विकेट, द्वार्सिस एक विकेट, एक बार एडवर्ड्स 22, एनरिकस फिलिपी 41। यहां अगर आप देखोगे एम स्वीनी देखोगे तो 22 किए थे नॉट आउट, ब्राउन ने 43, वॉल्टर 2 विकेट, मैट क्वर्नमैन 2 विकेट, स्पेंसर और बार्कलेट को एक एक विकेट मिला। यानी कि आप अगर ओवरऑल देखोगे यहां से पॉल वॉल्टर का नाम आ रहा है आपको बार बार दिखेगा, नेजर बढ़िया प्लेयर है, ज्यादा बड़े जो आप लास्ट के दो मैच देखोगे इस सीजन में तो उतने बड़े लेवल के मैच हुए नहीं है जहां पे आपको बैट्समैन वगैरह ने ज्यादा पॉइंट्स दिए हो। यहां पे चार ओवर के पावर प्ले में ये आपको आपको चीजें ध्यान में रखनी है। देखिए 43 पे एक, सेकेंड इनिंग्स में 49 पे दो, 28 पे एक, 28 पे जीरो, 39 पे जीरो, 27 पे एक, 48 पे जीरो, 38 पे दो, 36 पे एक, 31 पे एक, 32 पे दो, 13 पे। यानी कि ओवरऑल देखोगे सेकेंड इनिंग्स के मुकाबले थोड़ी सी जो फर्स्ट इनिंग्स रही है, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसको कहीं ना कहीं एक अलग एडवांटेज, सॉरी ज्यादा नहीं दिखा लेकिन मच बेटर है यहां पे। थोड़ा ज्यादा अगर आप देखोगे तो बेटर है जो टीम सेकेंड इनिंग्स में, सॉरी जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है उसको सेकेंड इनिंग्स के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज्यादा एडवांटेज दिखी है। या तो उन्होंने रन ज्यादा बनाए हैं या उन्होंने विकेटलेस पावर प्ले को खेला है, समझ गए। तो आप इसके हिसाब से चलेंगे कि फर्स्ट इनिंग्स में एक टीम बना रहे हो जहां पे जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके एक ओपनर को नहीं लिया, दूसरी बना रहे हो जहां पे आपने दोनों ओपनर को रखा, तीसरी बना रहे हो जहां पे अगर आप देखोगे तो एक ओपनर को नहीं रखा, एक वन डाउन को नहीं रखा, समझ गए। इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। बाकी अगर आप देखोगे सबसे पहले सिडनी सिक्सर्स की प्लेइंग 11 जोस फिलिपी का ये जो बीबीएल सीजन रहा है वो उतना खास नहीं है, यहां पे 47 से 41 है, लेकिन वो रन्स नहीं है जिसको आप उस लेवल पे जाए कि यार बहुत अच्छे अच्छा किया है। डैनियल ह्यूज का देखोगे लास्ट की 3 इनिंग्स काफी बढ़िया है, ये थोड़ी सी स्लो थी। कर्टिस पैटरसन इस बीबीएल में उतना खेले नहीं है, खेले हैं तो उसको अच्छा नहीं कर पाए। मोजेस हेनरिकस 59, 47, यहां 2 फ्लोप, यहां 22, 0 विकेट, 23+2, 40+0 ओवरऑल एवरेज रहा है। जॉर्डन सिल्क का देखोगे तो जितना मौका मिला है ठीक ठाक खेले हैं। जैक एडवर्ड्स ने लास्ट के कुछ मैचेस में अच्छा किया है। हेडन कैर ने आप देखोगे 2 विकेट यहां 2 विकेट, यहां बढ़िया प्लेयर है, बैटिंग भी कर लेते हैं। सीन एबर्ट का आप देखोगे लास्ट के 2 मैच में विकेटलेस गया, 2 यहां है, 0 यहां है। स्टेफन ऑकिफ का देखोगे ओवरऑल एवरेज विकेट है। बेन द्वार्सिस ने इस बीबीएल में अच्छा किया है। जैक्सन बर्ड का देखोगे तो जैक्सन बर्ड ने हर मैच में यहां पे विकेट निकाली है। हेडन का डेथ में आते हैं, जैक एडवर्ड्स डेथ में कर लेते हैं, बेन द्वार्सिस डेथ में कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो सीन एबर्ट, जैक एडवर्ड्स, हेडन कैर, ये 3 आपके लिए इन डेथ आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी बैन से मुझे नहीं लगता कोई भी चांस होगा। फुल स्टैट्स जोस फिलिपी, 13 मैच में 24 का एवरेज है, हेड टू हेड में वेन्यू पे 31 में 33 का और 91 में 27 का, जोस फिलिपी को लेके जा सकते हो। जोस फिलिपी आपके लिए गेम चेंजर कैप्टन भी बन सकता है तो वो चीज ध्यान में रखना, एक आधा मिनी जीएल हो या फिर आपके लिए मेगा जीएल हो वहां पे आपको ये ट्राई करना है। डैनियल ह्यूज की देखोगे 17 मैच में 27 का एवरेज है ब्रिस्बेन के अगेंस्ट, वेन्यू पे 13 में 24 का और 102 में 27 का। देखिए डैनियल ह्यूज को काफी लोग लेके जाएंगे लेकिन मैं नहीं मानता कि देखिए ये जो दोनों प्लेयर है वो पावर प्ले यानी कि लंबा खेल पाएंगे, तो अगर दोनों प्लेयर लंबा नहीं खेलेंगे एक तो जल्दी आउट होगा, तो फिर मुझे थोड़ा सा डैनियल ह्यूज उस पे लग रहा है कि आप छोड़ सकते हो। कर्टिस पैटरसन 8 मैच में 21 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 8 में 23 का और 63 में 22 का, मुझे उतना बैटर लगते नहीं है तो इसलिए मैं शायद ना रखूं अपनी टीम में। मॉइज़ेस हेनरिकस 18 मैच में 25 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 25 में 25, 55 में 25 का एवरेज है, ओवरऑल 127 में 28 का, मैं हेनरिकस को लेके जाऊंगा। जॉर्डन सिल्क 16 मैच में 17 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 50 में 35 का, ओवरऑल 121 में 32 का एवरेज है, आपके लिए गेम चेंजर पिक बनेगा, यहां पे ध्यान में रखना जॉर्डन सिल्क को। जॉर्डन सिल्क आपके लिए गेम चेंजर पिक बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर पहले बैटिंग करती है सिडनी सिक्सर्स की टीम, तो ये ध्यान में रखना। जैक एडवर्ड्स 6 मैच 18 का एवरेज, 3 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे 12 मैच में 11 का एवरेज, 3 विकेट है और 38 में 9 विकेट है, 16 का एवरेज मैं लेके जाऊंगा क्योंकि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देते हैं। हेडन कैर 7 मैच में 9 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे 16 में 16 विकेट और 39 में 44 लेके जाएंगे। सीन एबर्ट 17 में 28 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे 46 में 77 और 115 में 161 आपको लेना ही है क्योंकि सीन एबर्ट को इन
सम चांसेस आपको ध्यान में रखना है, आप इनको कैप्टनसी दे देना, सॉरी एसएल में नहीं, मैं आपको बोलूंगा मिनी में और मेगा में आपको ट्राई करना है एज अ कैप्टन सीन एबट को, ध्यान में रखना। स्टेवन ऑफ 13 में 13 विकेट है, ट्रेड वेन्यू पे 13 में 44 और 101 में 97 विकेट है, द्वार से 16 में 21 विकेट है, ट्रेड वेन्यू पे 38 में 45 और 103 में 126, जैक्सन बर्ड 11 में 9 विकेट है, ट्रेड वेन्यू पे 17 में 13 और 84 में 77। अब देखिए सारे लेने लायक प्लेयर है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा जैक्सन बर्ड की शायद जगह नहीं बनेगी हमारी टीम में। एक चीज बोलूंगा, इन दो को तो लेना ही है, ले लिया, या सॉरी यहां पे फोकस करना, यहां पे क्या करना है किशन भाई, बैन द्वारसिस स्टेफन ऑफकिप। देखिए द्वारसिस आपके लिए बैटिंग कर लेते हैं, अगर वहां पे पहुंचे, अगर 10 बॉल मिल गई ना तो आपको 1.5 विकेट जितने पॉइंट दे सकते हैं, वो थोड़ा सा मुझे रिस्क लग रहा है, अदरवाइज आप चांस ले सकते हो ये इसको रिवर्स करके। द्वारसिस को सब लोग लेके जाएंगे, आप स्टेफन ऑफकिप को ले सकते हो इसकी जगह, ये आप चेंज कर सकते हो, समझ गए। यहां पर बैन से मुझे नहीं लगता यहां से कोई आएगा। ब्रिस्बेन हिट की प्लेइंग इलेवन जोस ब्राउन, भाई लास्ट मैच में एक तरफा मैच जिताने में कामयाब रहा ये बंदा, क्योंकि अगर ये बैटिंग नहीं करता तो शायद एडलैंड ब्रिस्बेन को जीतने ना देती, बाकी ये बीबीएल उतना बढ़िया नहीं गया। जेमी पियर्सन ओपन कर सकते हैं 4, 26, 42, 40। मैक्सविनी 3 विकेट 33 रन 11, 3, 9, 22, एक इस इनिंग्स को निकाल दो तो मैक्सविनी की यही इनिंग्स ठीक रही है, वो भी 33 रन 3 विकेट निकाले। मैट रेंसो पूरा बीबीएल इनका खराब रहा है, मैक्स ब्रायंट बीबीएल में जितना खेले हैं खराब रहे, पॉल वॉल्टर इनके लिए बीबीएल अच्छा रहा है, मिचेल नजीर यहां तक मिचेल नजीर फ्लोप चल रहे थे लेकिन यहां से जो इन्होंने तार पकड़ी है बहुत अच्छा किया है। कोहन मैन का देखोगे उतना खास नहीं है, जावियर बार्टलेट 1 विकेट हर मैच में निकाला है, मिचेल स्वैप्सन का देखोगे तो लास्ट के 3 मैच विकेटलेस गए हैं, स्पेंसर जॉनसन का देखोगे तो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रही है, स्पेंसर जॉनसन डेथ में गेंदबाजी करते हैं, जावियर बार्टलेट डेथ में गेंदबाजी करते हैं, मिचेल नजीर और जो स्पेंसर जॉनसन है वो पावर प्ले में स्टार्टिंग के 4 ओवर में गेंदबाजी करते हैं। बैन से यहां से कोई भी नहीं आएगा मुझे लगता है। फुल स्टैट्स ब्राउन 5 मैच में 30 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 1 में 20 का और 22 में 25 का। देखिए ये एक ऐसा प्लेयर है जो अगर मारने लग जाए 40 रन्स भी करते हैं आपको 70 पॉइंट देके जा सकते हैं, लेकिन हिट एंड मिस वाला केस है, टोटली हिट एंड मिस वाला केस है। जिमी पैटसन 17 मैच में 16 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 6 में 11 का और 108 में 21 का एवरेज है, ये प्लेयर बढ़िया है, आपको विकेट कीपिंग भी देता है, तो आप जोस ब्राउन के ऊपर जा सकते हो जिमी पैटसन के साथ। मैक्सविनी 6 मैच में 32 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 2 में 8 का और 17 में 24 का एवरेज मैं लेके जाऊंगा। रेंसो 9 मैच में 21 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 3 में 120 रन और 69 में 24 का एवरेज, उतना खास मैट रेंसो दिखे नहीं है इस बीबीएल में, आउट ऑफ फॉर्म है। मैक्स ब्राइट 9 में 19 का एवरेज, हेड टू हेड वेन्यू पे 4 में 8 का और 62 में 21 का, मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। वॉल्टर 2 मैच में 4 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे नहीं खेले और 10 में 16 विकेट है, मैं लेके जाऊंगा वॉल्टर को। वॉल्टर को आप चाहो तो कैप्टनसी भी दे सकते हो। नजर 12 मैच में 17 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे 3 में 5 का और 97 में 110 में लेके जाऊंगा। कोहन मैन 6 में 7 हेड टू हेड वेन्यू पे 2 में 3 और 46 में 37 विकेट, ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। बार्टलेट 7 में 5 हेड टू हेड वेन्यू पे 2 में 2 और 39 में 45 में लेके जाऊंगा। स्वैप्सन 13 में 9 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे 4 में 4 और 73 में 66 में लेके जाऊंगा। स्पेंसर जॉनसन 3 में 6 हेड टू हेड वेन्यू पे 1 में 3 और 19 में 21। यहां पे आप एक चीज कर सकते हो, सेम जो मैंने आपको द्वारसिस और जो स्टेवन ऑफकिप के बीच बताई थी वही चीज आपको कर सकते हो, क्योंकि मुझे बैटर लग रहे हैं मिथ स्वैप्सन। जी हाँ, जो मिथ स्वैप्सन है वो मुझे बैटर लग रहे हैं, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग टू यू कि आप जिस तरीके से मैंने स्टेफन ऑकिफ टू द्वारसिस को आपको रिप्लेस के तौर पे बोला है, सेम चीज आप इनमें रिवर्स कर सकते हो। आप ड्रॉप कर सकते हो सॉरी स्पेंसर जॉनसन को, आप उसकी जगह ले सकते हो मिचेल स्वैप्सन को, ध्यान में रखना है इस चीज को। जो देख के जाएंगे वीडियो वही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपको टेलीग्राम पे पूरी टीम नहीं मिलेगी कि ये लेके जाओ, मैं सजेस्ट करूंगा केवल, समझ रहे हो। बैन से कोई यहां से आएगा नहीं, प्लेयर्स बैटल में आप देखोगे देखना। डैरिल ह्यूज स्वैप्सन के सामने ठीक ठाक है, एक बार क्वारमैन के सामने, मैट रेंसन एक बार, पॉल वॉल्टर एक बार, जोस फिलिपी नाजर ये स्ट्रगल है भाई। देखिए स्ट्राइक रेट बढ़िया लेकिन 4 बार विकेट दिए, बार्टलेट के सामने एक बार, क्वारमैन के सामने एक बार, पॉल वॉल्टर के सामने एक बार, स्पेंसर के सामने एक बार।
कर्टिस पैटरसन स्वैपसन के सामने दो बार ये स्ट्रगल है, स्पेंसर्स के सामने एक बार, कोहलमैन के सामने एक बार, वर्जिस हेनरिकस दो बार आउट किया कोहलमैन ने, मैट रेंसो ने एक बार, जावियर ने एक बार, जोर्डन सिल्क मैक्सविनी ने एक बार आउट किया है, जैक वाल्डर ने एक बार, जावियर बार्टलेट ने एक बार, मिचेल नाजीर ने एक बार, जैक एडवर्ड्स पॉल्टर ने एक बार, पॉल्टर नहीं वॉल्टर ने नाजर ने एक बार। तो ज्यादा कुछ खास नहीं है स्टैट्स यहाँ पे। जोस ब्राउन को द्वार से ये थोड़ा सा स्ट्रगल है जोस ब्राउन का, सीन एबट ने एक बार, स्टेवन ऑकिफ ने दो बार, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा दिखे स्टेवन ऑकिफ जोस ब्राउन के सामने। जिमी पैटरसन द्वारसिस ने तीन बार आउट किया लेकिन रन्स देखे 44 में 71, तीन बार सीन एबट ने, ये थोड़ा सा स्ट्रगल है जिमी का। जैक्सन बर्ड ने दो बार, ये भी थोड़ा स्ट्रगल है, स्टेफन ने तीन बार, ये भी स्ट्रगल है, हैडन कैर ने दो बार। तो जो जिमी पैटरसन है ना वो पूरी की पूरी जो सिडनी सिक्सर्स का बॉलिंग लाइनअप है उसके सामने प्रॉब्लम में दिखे हैं। मैक्सविनी नावेद ने एक बार एडवर्ड्स ने, मैट रेंसो जैक एडवर्ड्स ने एक बार, हैडन कैर ने एक बार, द्वारसिस ने दो बार, मैक्स ब्रायन आप देखोगे तीन बार, एक तो ये है सीन एबट ने आउट किया है, उसके अलावा दो बार सेवन ऑकिफ ने, पॉल वाल्टर को बायन द्वारसिस ने एक बार। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा जिमी पैटरसन का है ना ये थोड़ा सा यार मुझे अजीब सा लगा कि पूरी जो सिडनी सिक्सर्स का पूरा बॉलिंग हैंड है उसके सामने स्ट्रगल कर रहे हैं पूरी की पूरी तौर पर आप देख सकते हैं। चलिए टीम की तरफ चलते हैं। जोस फिलिपी एज ए कैप्टन मैंने रखा, ये शायद चेंज हो सकता है। जॉर्डन सिल्क को रखा, मैक्सविनी को रखा, उसके अलावा मिचेल नाजीर, पॉल वाल्टर एज ए वाइस कैप्टन, मॉइजेस हेनरिकस, जैक एडवर्ड्स, हैडन कैर को यहां पे रखा, जावियर बार्टलेट है। यहां पे आप एक चीज कर सकते हो, यहां पे आप स्वैपसन को ऐड कर सकते हो, ये चीज ध्यान में रखना किसी की भी जगह। द्वारसिस को रखा, सीन एबट को रखा, द्वारसिस की जगह आप क्या कर सकते हो, द्वारसिस की जगह आप ऐड जो मैंने आपको चीज बताई थी वो चीज ध्यान में रखना, स्टेवन ऑकिफ वर्सेस बैन द्वारसिस, स्पेंसर जॉनसन वर्सेस मिचेल स्वैपसन, समझ गए, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। चेंजेस बस एक दो होंगे जो मैंने वीडियो में आपको बताए हैं, ग्रैंडली को लेके बताए हैं, स्मॉली को लेके बताए, तो वो चीजें ध्यान में रखोगे तो बेटर कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।